सादर प्रणाम, स्वागत है आप सभी का भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, तुलसी का धार्मिक महत्व भी है और तुलसी का आयुर्वेदिक महत्व भी है। यह एंटीबायोटिक, दर्द निवारक और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी फायदेमंद है। यहां जानिए तुलसी की माला पहनने के बाद फायदे। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, तुलसी कितने प्रकार की होती है, इसके साइंटिफिक फायदे क्या हैं, इसके धार्मिक महत्व क्या हैं, इन सभी पर मैं आपसे बात करूं, आपसे विचार विमर्श करूं, उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील जी राजस्थान के कि अगर आप हमसे इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ना चाहते हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं, महाराज जी से कोई शंका सवाल है तो आप जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं। आपको नंबर इस वक्त हम दिखाने जा रहे हैं, नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है 01207153826 और 01207153787। तो ये दो नंबर इस वक्त हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका, कोई सवाल तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। महाराज जी हमारे साथ शो में लाइव कनेक्ट हैं, आप उनसे सीधा आपका कोई भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। महाराज जी, शुरुआत में करूँगा, तुलसी कितने प्रकार के होते हैं, तुलसी के धार्मिक महत्व क्या है, क्योंकि तुलसी को लेकर मैंने हमेशा व्यक्तिगत तौर पर देखा लोगों में विरोधाभास रहा है। देखिए, भगवान विष्णु को सबसे प्रिय तुलसी जी बहुत उत्तम मानी जाती है और आशीष जी, भगवान को जब भोग लगाते हैं और उन्हें जल अर्पण करते हैं तो तुलसी का एक पत्ता जरूर रखना चाहिए। यदि 56 प्रकार के व्यंजन है और भगवान को भोग लगाया तुलसी का पत्ता नहीं डाला तो स्वीकार्य नहीं है। और आप देखिए कि तुलसी का जो पत्ता है, तांबे के लोटे में एक तुलसी का पत्ता डाल करके रखना चाहिए। तांबा और तुलसी दोनों ही पानी को शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। रोज सुबह तुलसी के 3 से 5 पत्तों का सेवन भी करना चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु की बड़ी प्रिय है और तुलसी कितने प्रकार की होती है तो ये तो आपको मैं बता दूं कि तुलसी के बीजों की माला बड़ी लाभदायक रहती है, लेकिन तुलसी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। 2 प्रकार की तुलसी होती है जी, सांवली श्यामा और बिल्कुल ग्रीन रामा। श्यामा तुलसी की माला धारण करने से विशेष रूप से मानसिक शांति प्राप्त होती है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती है और मन में सकारात्मक भावना का विकास होता है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ पारिवारिक भौतिक उन्नति भी प्राप्त होती है श्यामा तुलसी पहनने से। अब रामा तुलसी की माला पहनने की बात करें तो रामा तुलसी की माला को धारण करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, सात्विक भावनाएं जागृत होती हैं और अपने कर्तव्य पालन के प्रति मदद मिलती है। ये रामा तुलसी है। तुलसी की माला में विद्युत शक्ति होती है। तुलसी की माला पहनने से बुखार, जुकाम, सिर दर्द, चमड़ी के रोगों में भी प्राप्त होता है। संक्रामक बीमारी और अकाल मौत भी नहीं होती है। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि तुलसी की माला पहनने से व्यक्ति की पाचन शक्ति, तेज बुखार, दिमाग की बीमारी एवं वायु संबंधित अनेक रोगों में लाभ मिलता है। तुलसी की माला जरूर पहननी चाहिए। इतने कंठी के बिना जल पिए तो भी वो जहर हो जाता है और कंठी के साथ जल पीते हैं तो अमृत बनता है, या जो भी भोजन करते हैं अमृत बनता है, वाणी बोलते हैं तो अमृत के समान बोलते हैं। तुलसी की माला पहनने से यश, कीर्ति, सौभाग्य बढ़ता है। तुलसी का पत्ता खाते रहने से किसी भी प्रकार का रोग शोक नहीं होता है। इस प्रकार से मैं कहूंगा कि तुलसी का बड़ा महत्व है और तुलसी की माला जरूर पहननी चाहिए, तुलसी का पत्ता जरूर खाना चाहिए। जी, एक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण विषय। और महाराज जी, ये भी कहा जाता है कि
तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है, और नियमित रूप से जल अर्पित करने से, तुलसी का पूजा करने से जो आर्थिक रूप से परेशान लोग हैं उनको भी राहत मिलती है। देखिए, बड़ी बड़ी बात कही आपने। ये बात सही है कि तुलसी की पूजन और तुलसी में जल प्रतिदिन चढ़ाना घर में समृद्धि को न्योता देना है। और आप ये मान के चलिए कि लक्ष्मी का वास होता है, पर 33 करोड़ देव देवताओं में दुर्गा जी को और भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ती है। बाकी तुलसी सबसे प्रिय सबको रहती है। और तुलसी का महत्व तो आप जानते ही हैं, जैसा कि आपने प्रश्न किया है। तुलसी का महत्व तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में धन की देवी माँ लक्ष्मी के वास तो होता ही है, पर मानता है कि प्रतिदिन तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना गया है। आंगन में लगाने से अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न ये होता है आशीष जी, जी कि तुलसी के पौधे का ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है? क्योंकि वह ये औषधि के रूप में तो है ही, पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व है। बिना तुलसी दल के पूजा पूरी नहीं होती है, और ज्योतिष शास्त्र में भगवान की पूजा में भोग लगाते समय तुलसी डालने का बड़ा महत्व माना गया है। तुलसी दल के बिना भगवान भोग अधूरा स्वीकार होता है। इसलिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, वहीं भक्त हनुमान जी को तुलसी का भोग लगाते हैं। भगवान कृष्ण और विष्णु की पूजा बिना तुलसी दल के पूरी नहीं होती है। तुलसी के पौधे धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। जी लेकिन जैसे तुलसी आप गंगा जल में डाल देते हैं तो अमृत बन जाता है। किसी की आत्मा शरीर नहीं छोड़ रही है, और महाराज तुलसी डाल करके आपने गंगा जल दे दिया तो उस आत्मा शरीर छोड़ देती है, उसको कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। वैसे भी तुलसी में विटामिन सी के कई ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के संक्रमण को दूर करने में काफी सहायक होते हैं, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। तुलसी का पौधा चिकित्सीय रूप से भी बहुत फायदेमंद होता है। इसे तुलसी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम। चाहे तो महाराज जी, हमारे कुछ कॉलर्स हमारे साथ कनेक्ट हैं। महाराज जी उन कॉलर्स से बातचीत करेंगे अब। तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, आपका जो भी प्रश्न है आप महाराज जी से सीधा संवाद कर सकते हैं। जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। हम वहां से बोल रहे हैं, लखनऊ से बोल रहे हैं। आपसे बेटे के बारे में पूछना। जी पूछिए, हेलो। जी हाँ, पूछिए। अंकित द्विवेदी नाम है, 1900 सन है, जन्म स्थान है लखनऊ, 1987, 14 जून रात में 1:01। उसके तलाक का केस चल रहा, कब तक निपटेगा? जिससे जल्दी निपटे ऐसा कोई उपाय बताइए। देखिए बहन, आप अंकित तो भाई हैं, आपका मकान पूर्व में दिखता हुआ है। और आपको बता दें कि ये तलाक का जो केस है ये 2024 में फरवरी के बाद निश्चित रूप से निपट रहा है, और उनकी दूसरी शादी का भी संयोग बड़े जोर शोर से बन जाएगा। आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपा करके तुलसी दल लाल करके और हनुमान जी को गुड़धानी का भोग लगाइए मंगलवार के दिन। ऐसा करने से आपको अवश्य लाभ होगा। और यदि कर सकते हैं तो तुलसी के पौधे के पास बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की 3 माला या फिर 5 माला या फिर 7 माला 16 माला आप कर सकते हैं तो कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना। बिल्कुल महाराज जी, महामंत्र के तो कई लाभ हैं, और हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मैं भी इसका जाप करता हूँ महाराज जी। जी बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ जो भी इस वक्त कनेक्ट हैं वो भी महाराज जी से संवाद कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते। जी हेलो। नमस्कार। नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं राजस्थान की तरफ से बोल रही हूँ। मैं मेरी बेटी का बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरी बेटी का जन्म है राजस्थान, 1997, 19 फरवरी शाम को 7 बजे का जन्म है। उसी का शादी का
बाराम पूछना चाह रही हूँ कब संजोग बन रहा है। देखिए आपकी बेटी के बारे में बता दें आपको कि कुंभ लग्न में जन्म हुआ है और बुध की महादशा है, शुक्र का अंतर है और सूर्य का प्रतंत्र है और इनका निश्चित रूप से बहुत शीघ्र ही विवाह का योग बन रहा है और ये योग फरवरी 2024 के बाद से बनेगा। अभी तय हो सकता है, आप बिल्कुल नहीं डरें और 2+ बहन भाई होंगे इनके जो ससुराल में पति प्राप्त होंगे, स नाम से प्राप्त होते हैं, स और एम नाम से। बड़ी मंगल शुभकामना। आप इनको एक चांदी के ग्लास में 250 ग्राम कच्चे दूध में काले तिल डाल करके, बूरा डाल करके, तीनों को मिश्रण करके पीपल के पेड़ में संध्या के समय 47 दिन चढ़ाने के लिए कहें, लेकिन शनिवार को नहीं चढ़ाएं और 47 दिन चढ़ाएं ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ये मंत्र बोल के चढ़ाएं और घर में जब प्रवेश करें तो पैर धोकर के प्रवेश करें और पीपल के पेड़ में दीपक भी जला के आए, अवश्य इनको बहुत अच्छा रास्ता प्राप्त हो रहा है जी। अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप महाराज जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो जी, अलका नाम है, 9 मई 1982, रात का समय 11:55 और स्थान रतनगढ़ है। अंग कारक योग के लिए मोती किस अंगुली में पहनना चाहिए और क्या मंत्र बोलना चाहिए? महाराज देखिए बेटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत आशीर्वाद है। अंगारक योग को शांत करने के लिए मोती पहन सकते हैं। मोती आपको बता दें कि इस उंगली में पहनना चाहिए, मोती ये अनामिका, अनामिका ये होती है, इस उंगली में पहने अवश्य आपको लाभ होगा। सोमवार के दिन पहने और 12 बजे से और 12:58 तक पहन ले में। बड़ी मंगल शुभकामनाएं, पंचामृत से स्नान करा के पहना है। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप महाराज जी से इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी अपना प्रश्न पूछिए आप। हेलो जी, प्रश्न पूछिए अपना। राम राम पंडित जी। राम राम जी। पंडित जी, आपने जो हमें गेट के बाहर दीपक जलाने के लिए कहा था, तो उसने बत्ती खड़ी रखे या लंबी बत्ती रखी? और दूसरा, लंबी बत्ती रखे और मेरी मम्मा की भी तेज थोड़ी खराब रहती है, ठीक नहीं रहती है। देखिए बेटी, आपका भागफल कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आपकी मम्मा की तबीयत को यदि ठीक करना चाहते हैं तो आप कृपा करके इनके ऊपर से काले तिल 1.25 उसार लें 7 बार, उन्हें मिक्सी में क्रश करके और थोड़ा घी और बूरा मिश्रण करके चींटियों को संध्या के समय डालना शुरू करें और 47 दिन तक डालें, अवश्य आपकी मम्मा की तबीयत फिट होगी, ठीक होगी। बड़ी मंगल शुभकामना। चलिए महाराज जी, अब राशियों का वक्त है तो मैं चाहूंगा कि आप आज की राशियों पर प्रकाश डाल दें कि किसकी राशि आज क्या कह रही महाराज। तो आइए हम बात कर रहे हैं सबसे प्रथम मेष राशि से। मेष राशि के जातकों को आज विशेष रूप से अपने भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आज कई दिनों से अटके काम आपके किसी के सहयोग से पूरा आप कर पाएंगे। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहने वाला है। धन लाभ के आज आपको अवसर प्राप्त हो रहे हैं। और अब अगली राशि का रुख करते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी जातकों। आज सोशल मीडिया से जुड़े जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। काम के सिलसिले में यात्रा आज आप कर सकते हैं। परिवार में आपका वर्चस्व आज बढ़ रहा है। पति पत्नी से माधुर्य संबंध प्रेम बढ़ेगा। और अब इसी क्रम में बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज आप स्वयं को ऊर्जा से भरपूर पाएंगे। दिन बड़ा सकारात्मक रहने वाला है।
आज साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन खास रहने वाला है। नए प्रोजेक्ट हाथ लग पाएंगे, धन लाभ जरूर हो रहा है, नौकरी व्यापार में आय की वृद्धि हो रही है। और भाई हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज कर्क राशि के जातकों को उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। कार्यालय में पदोन्नति आज हो सकती है। परिवार में संतान पक्ष के शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। अविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव आज मिल सकता है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज जातक कल का दिन और आज का दिन मानसिक तनाव अनुभव कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में काम का बोझ बहुत रहने वाला है। आज काम अटक सकते हैं, समय की बर्बादी भी आज रह सकती है। रियल एस्टेट से जुड़े जातकों को आर्थिक लाभ हो रहा है। भूमि भवन पर आज आप निवेश कर सकते हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज परिवार में छोटी मोटी बातों को तुलना दें, शांति का माहौल बनाए रखें। छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए कठिन परिश्रम आज करना पड़ सकता है। परिवार के साथ बाहर घूमने का कार्यक्रम आज आपका बन सकता है। पति पत्नी साथ में खूबसूरत पल आज बिताने वाले हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहने वाले हैं। नौकरी व्यापार में आर्थिक लाभ हो सकता है। कार्यालय में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए सम्मान प्रमोशन प्राप्त होगा। अपनी बातचीत के ढंग से आप सभी का मन आज जीत लेंगे। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज इस राशि के जातक मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। आप किसी गलतफहमी का शिकार भी आज हो सकते हैं। नौकरी व्यापार के लिए दिन थोड़ा सामान्य है। भविष्य के किसी योजना पर निवेश आज आप कर सकते हैं। बेवजह किसी से आज उलझना नहीं चाहिए और गुस्से पर आज आपका नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज मान सम्मान की हानि आपको रह सकती है। परिवार को समय आज देना चाहिए। छात्रों को पढ़ाई पर फोकस करने की आज आवश्यकता है। आप अपने प्रोफेशनल जीवन एवं व्यक्तिगत जीवन पर सामंजस्य बिठा के चलेंगे तो ठीक रहेगा। किसी नई परियोजना पर पूंजी लगाकर धन अर्जित कर सकते हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपके लिए लोगों को दिए पुराने कर्जे वापस प्राप्त हो रहे हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति हो रही है। आज आप अपने व्यक्तिगत जीवन में धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। छात्रों के लिए मेहनत करने का दिन है। परिवार का साथ आज प्राप्त हो रहा है। और भाई बात कर रहे हैं कुंभ राशि के लिए। और अब बात कर रहे हैं आज दिए गए पुराने कर्जे वापस मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति हो रही है।
और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज मानसिक उथल पुथल महसूस कर सकते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज पूर्ण सफलता प्राप्त हो रही है, कार्यालय में बेफिजूल बहस में ना पड़े, आज थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। इस प्रकार से आज कमार अपना यह है राशिफल। जाहिर तौर पर महाराज जी और तुलसी आज का जो विषय है उसी पर एक प्रश्न मेरा और भी है, मैं चाहूंगा उस पर भी आप प्रकाश डाल दें क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त हमारे पास बचा है। हम देखते हैं महाराज जी, जैसे कोई किसी को चर्म रोग होता है, जैसे आजकल गांव इलाकों में कहा जाता है कि भाई माता आई हैं, अब जब वो समस्या होती है तो मैंने देखा लोग तुलसी की माला इत्यादि पहनाते हैं, उस वक्त तुलसी का बड़ा फायदा होता है ऐसा बताया जाता है। उससे संबंधित अगर कोई जानकारी अगर आप दर्शकों से साझा करना चाहें तो चर्म रोग से और इस प्रकार के त्वचा रोग संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं इससे कैसे हम तुलसी का उपयोग करके बच सकते हैं। हाँ देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, ये बात सही है कि तुलसी चर्म रोग, तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगस, एंटीवायरस जैसे गुण मौजूद होते हैं और देखिए जो त्वचा की खूबसूरती को बहुत बढ़ाती है। तुलसी का काढ़ा पीने से खांसी, सर्दी, जुकाम, सिरदर्द, तनाव आदि की समस्या दूर हो जाती है। और आपको बताएं कि तुलसी कई रोगों से बचाती है। आशीष जी, तुलसी त्वचा की समस्याओं से छुटकारा तो देती है, साथ में तुलसी रामबाण औषधि कह सकते हैं। तुलसी को यदि व्यक्ति प्रतिदिन प्रतिदिन काढ़ा बना के पिए या तुलसी के 3 से 5 पत्ते रोज खाता है तो एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर पत्ते आपको एक्ने और स्किन इन्फेक्शन दूर करने में असरदार दिखाई देगा। और इनके पत्ते बहुत बहुत मतलब फायदेमंद होते हैं। चेहरे पर फोड़े पुंसी की दिक्कत होना या फिर अपन जो तुलसी के पत्तों से फेस पैक बनाते हैं उसे लगाना, ये 1 चम्मच तुलसी के पत्ते का पाउडर, ये 1 चम्मच चंदन पाउडर लेकर के मिला करके गुलाब जल में डालकर के इसको लगा लेते हैं तो आप मानिएगा आपका फेस पैक इतना शानदार रहेगा कि इसका कोई जवाब। ठीक है महाराज जी, बहुत शुक्रिया आपका आज के इस विषय पर बातचीत करने के लिए और इन तमाम विषयों पर प्रकाश डालने के, बहुत आभार आपको जी। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद, श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। इसी के साथ भागफल में इतना ही, नमस्कार।